रहीम। आज हम बना रहे हैं चिकन कढ़ाई। तो उसके लिए हमने जो चीज़ें ली हैं वो ये हैं। आधा किलो मैंने लिया है चिकन, मिक्स लिया मैंने, हड्डी वाला भी है, और जो लेग पीस है उसको मैंने ऐसे गहरे टक लगा लिए ताकि वो ज़रा अंदर से पक जाए अच्छी तरह। तेल लेंगे हम आधा कप, टमाटर मैंने लिए हैं 1 पाव, और 3 सब्ज़ मिर्चें ली हैं, दही लिया मैंने 4 टेबल स्पून, और इसको अच्छी तरह मैंने फेंट लिया था। अदरक लहसुन का पेस्ट लिया मैंने 1.5 टी स्पून, ये दोनों मिक्स है मेरे पास। नमक लिया है मैंने 1 टी स्पून, ज़ीरा लिया, ज़ीरा पाउडर लिया मैंने 1 टी स्पून, गरम मसाला लिया मैंने 1 टी स्पून, कसूरी मेथी मैंने सूखी ली है 1 टी स्पून, सब सुरख मिर्चें पाउडर लिया मैंने 1 टी स्पून, हल्दी पाउडर लिया मैंने 1/2 टी स्पून, धनिया लिया मैंने, धनिया का पाउडर लिया मैंने 1/2 टी स्पून। ये मेरे पास पाउडर नहीं है लेकिन मैंने वो इस तरह कुटा हुआ धनिया लिया है। तो सबसे पहले हम अपनी कढ़ाई में तेल डालेंगे। आधा कप अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये साथ ही बेल का बटन है उसको दबाएंगे तो मेरी हर आने वाली रेसिपी सबसे पहले आपको मिलेगी और बहुत ही मज़ेदार होती हैं। आप देखें और अपने दोस्तों को भी दिखाएं और मुझे बताया करें कि कैसी बनी ये रेसिपी। तेल डाल लिया, अब हम इसमें डालेंगे, ये गर्म हो गया हमारा तेल, अब हम इसमें डालेंगे अदरक और लहसुन। इसमें हमने जीरा डाल के, वो कैमरा सारी बंद हो गया था तो जीरा डाला था सिर्फ, लेकिन अगर अब हमने डाली चिकन तो अभी हम इसको 3 मिनट तक इसे ऐसे भूनेंगे, इसका कलर चेंज हो जाएगा, तो फिर बाकी मसाला ज़्यादा डालते हैं। वो देखिए इसका कलर बदल गया, अब हम इसके अंदर डालेंगे अपना नमक जो 1 टी स्पून था, आप अपने टेस्ट के हिसाब से डाल सकते हैं कम या ज़्यादा भी। और अब हम इसको ढक्कन दे देंगे और 3 मिनट के लिए इसको पकाएंगे। 3 मिनट हो गए हैं, अब हम देख लेते हैं अपने चिकन को। चिकन का जो पानी है वो है इसके अंदर, अब हम इसको शामिल कर देंगे अपने मसाले। सबसे पहले हम हल्दी जो 1/2 टी स्पून थी वो शामिल करेंगे इसमें। ये बहुत ही झटपट बहुत मज़े की बनती है, आप भी बनाएं ट्राई करें। और फिर बताएंगे सिर्फ मिर्चियों का पाउडर डाला था हमने जो 1 टी स्पून था, और ये सूखा धनिया मेरे पास। ये रेस्टोरेंट स्टाइल की है चिकन कढ़ाई, तो ये बहुत ही मज़े की है और आसानी से हाथ बन जाती है। अब हम इसमें शामिल कर देंगे अपने टमाटर और सब्जी मिर्च के, टमाटर हमारे पास 1 का शामिल करके अब हम इसको पकने के लिए रख देंगे 4 से 5 मिनट। चूल्हा हम थोड़ा सा अपना हल्का कर देंगे। ये देखिए 4 से 5 मिनट हो गए हैं, अब हम देख लेते हैं अपने चिकन को। टमाटर भी हमारे डाल गए हैं, ये देखिए गर्म हो गए और पानी भी इसमें काफ़ी है, कि इसी कहते हम डाल देंगे अब अपना योगर्ट जो हमने 4 मिनट दिया है दही।
दही को आपने अच्छी तरह मिक्स कर लेना है ताकि वो इसमें शामिल करते हुए फिर अच्छी तरह मिक्स हो जाए। और साथ ही हम शामिल कर देंगे इसके अंदर कसूरी मेथी, गरम मसाला, और हम अच्छी तरह इसको मिक्स करके तेज आंच पर पकाएंगे। ये अब जो दही डाला है उससे बहुत अच्छा फ्लेवर आता है, और क्योंकि चिकन को हमारा पहले ही पक चुका था, 4-5 मिनट पहले हमने रखा था, 4 मिनट बाद में रखा था, 4-5 मिनट जो बाकी है वो अभी इसमें डलेगा। इसको अब हमें तेज आंच पे भूनना है 4-5 मिनट ताकि हमारा जो ऑयल है वो सारा ऊपर आ जाए तेल, और पानी जो है वो खुशक हो जाए, तो फिर हम चीला बंद कर देंगे। उसके बाद हम भी सर्व करेंगे। चार से पाँच मिनट हमने ऐसे पकाना है, इसको तेज आंच पर हमें भूनना है, तो उसके बाद फिर हम इसको भी सर्व करेंगे। देखिए 4-5 मिनट में हमारा पानी सारा सूख गया और ऑयल ऊपर आ गया सारा तेल, बहुत ही मज़े की बहुत ही जल्दी बन जाने वाली जो रेसिपी है, ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम उसको गार्निश कर लेते हैं, अगर आप चाहें तो कढ़ाई में रहने लगे, चाहें तो आपको किसी और कुछ नहीं डाल सकते। पतीला हम बंद कर देते हैं। तैयार है अब हमारी चिकन कढ़ाई, बड़े बड़े होटलों में जिस तरह की बनती है और जब तक बन जाती है, ज़रूर बनाइएगा और बताइएगा मुझे कैसी बनी। दुआओं में याद रखें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि मेरी हर आने वाली रेसिपी नई आप तक जल्दी से पहुँच जाए। अल्लाह हाफिज़।